हेलो दोस्तों, टेक्निकल मोनू में आपका स्वागत है। आज हम हाजिर है एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं एक एलजी का फ्रिज है जिसमें हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि 180 लीटर का है। इसमें कंप्रेसर ऑन नहीं रहा, पावर आ रहा है लेकिन कंप्रेसर ऑन नहीं रहा है। इसमें हम चेक करके आपको दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। अगर इसके बारे में आपको नॉलेज है तो वीडियो स्किप कर सकते हैं, नई नॉलेज है तो अंत तक देखिए, आपको ज़रूर कुछ जानने सीखने के लिए मिलेगा। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यस, देखिए ये सर्किट डायग्राम है। एलजी का फ्रिज है 180 लीटर का, जिसमें हमारा पावर आ रहा है, फ्रिज के अंदर लाइट चल रहा है लेकिन कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा इसमें कूलिंग नहीं हो रहा है। तो हम इसको चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। आपको आइए हम दिखाते हैं कि इसमें क्या इशू है। तो देखिए, इसका हम पूरा कवर खोल लिए हैं, कवर खोल लिया है। हमारा ये कंप्रेसर है, जो एलजी का कंप्रेसर है। मॉडल नंबर देखिए इधर दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये मॉडल नंबर दिया हुआ है। इधर से देखिए, ये हमारा ओवरलोड रिले लगा हुआ है। देखिए हमारा ओवरलोड रिले लगा हुआ है, हमको लगता है कि ये जरा हुआ। देखिए इधर ब्लैक हो गया, तो इसको हम निकाल के चेक करते हैं। पावर हमने ऑफ किया है, पावर निकाल लिया है। देखिए हमारा ओवरलोड है और ये रिले है, रिले भी हमारा ख़राब हो गया है। देखिए रिले भी ख़राब हो गया है, देखिए, और ओवरलोड देखिए, देखिए ये भी देखिए हमारा इधर ये जल गया है, बर्न हो गया देखिए इधर। तो इसको हम चेंज करके ये देखते हैं, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये फॉल्ट है और कुछ भी फॉल्ट है इसमें, तो इसको हम चेंज करेंगे, अभी नया डालेंगे। देखिए हमने दो लेके आए हैं मार्केट से, रिले ओवरलोड और रिले, दोनों लेके आए हैं। देखिए रिले और ओवरलोड को दोनों को हमने इसमें फिक्स कर दिया है, और ये नया वाला डाल दिया इधर, और ये भी, और ये दोनों निकाल के रख दिया। अभी इसको लगा के हम चेक करते हैं ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखिए इसमें कंप्रेसर का जो पिन है, इसको हम इसमें फिक्स कर देंगे आराम से, इसको इसमें फिक्स कर देंगे। उसके बाद ये इसको हम डालेंगे, उसके बाद जो ये दो नोब दिख रहा है, इसको इसमें हम आराम से प्रेस कर देंगे। देखिए हमारा इसमें ये लग गया है, अब इसको हम चालू करके चेक करते हैं। अभी दोस्तों, इसका हमने रिले चेंज कर दिया है, रिले और ओवरलोड दोनों चेंज कर दिया। अभी ये फ्रिज चल रहा है, लेकिन हम आपको चालू करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारे वहाँ इस समय गांव में मैं आया हूँ, तो अभी इधर धूप ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से पावर नहीं है, लाइट नहीं है। तो हम इन्वर्टर से चेक किए, तो तुरंत लगाने के टाइम में इन्वर्टर हमारा बैठ गया। इसके लिए हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन ओवरलोड रिले का ही इशू था, जिससे हमने चेंज करके सही कर दिया। ऐसे आप भी सही कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।